अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखो और जीतो। मैं हूँ मिसबा सईद, इस वक्त मौजूद हूँ अमाना मॉल में, हाजिर हूँ दिलचस्प सवालों के साथ। बढ़ूंगी लोगों की तरफ, पूछूंगी सवाल, जानूंगी जवाब। इसके साथ साथ कोहेनूर आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप मिमिक्री अच्छी करते हैं, आप पैरोडी अच्छी करते हैं। कोहेनूर आपके टैलेंट को सराह रहा है, उभार रहा है, मंजरियां पर ला रहा है। आपके अंदर कौन सा हिडन टैलेंट मौजूद है, आइए आप हमें दिखाइए, हम दुनिया को दिखाएंगे। तो आए मेरे साथ, लोगों से करते हैं बात। जी तो कुछ नौजवान नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ती हूँ, पूछती हूँ, दोस्त हैं, कजन हैं, क्या रिलेशन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बताइए। सरदार जुहेब नाम है जी मेरा। और आपका नाम? मोहम्मद राशिद। सर आपका नाम? मलक वसीम। ठीक हो गया, क्या रिलेशन है सबका? हम दोस्त हैं जी, सारे सारे दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं सारे? बस बचपन के दोस्त हैं जी, काफी अच्छे दोस्त हैं, जैसे दोस्त होना चाहिए। बचपन की दोस्ती है? जी हमारी बचपन की दोस्ती है, और ये बड़े अरसे बाद हमें मिलने के लिए लाहौर आए हैं जी। तो आप कहाँ से हैं, वो कहाँ से हैं, और वो कहाँ से? ये पत्तोकी से हैं, ये भाई भी पत्तोकी से हैं, मैं इधर लाहौर में हूँ। वो दोनों पत्तोकी से हैं और आप लाहौर से हैं। ये तो ये दोस्ती स्कूल लाइफ की है, कॉलेज लाइफ की है, यूनिवर्सिटी लाइफ की है? ये हम एक ही जगह के, हमारी बॉर्न प्लेस जो है वो एक ही जगह पे है, तो इसलिए ये हमारे बचपन के। हाँ एक स्ट्रीट में हम रहते हैं और हमारे घर भी साथ साथ हैं, और बचपन के हम बड़ीज हैं। बर्न प्लेस जो है वो उनकी सेम है, तो ये तब की दोस्ती है, यानी अब बचपन के दोस्त हैं आप। बड़े एक्साइटेड हैं, और इन्हों को हम अमाना मॉल दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा इन्होंने टीवी पे आप जैसे काफ़ी एंकर्स को देखा है, तो इसलिए इनकी चाहत थी कि आज भी हमें कोई एंकर्स मिल जाए। तो ये हमारी ये बड़ी खुशी है कि आप हमें मिल गई हैं, सो ये बड़ी बात है हमारे लिए, ये बड़ी एक मैं ज़रूर बात करूँगी जी, उनसे भी ज़रूर बात करूँगी। आपने ना इनकी कोई अच्छी बात बतानी है अब। ये इनकी अच्छी ये बात है, ये जब हमें लाहौर बुलाते हैं और हम पे बहुत खर्च करते हैं। और ये अच्छा वो उनकी इसका मतलब कि वो फाइनेंशियली बड़े मजबूत है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, ये भी मजबूत नहीं है, लेकिन जब हक हमारा है जी, हमारे मेहमान, क्योंकि तब ये मेजबान होते हैं ना, आप मेहमान होते हैं तो फिर खिदमत तो करनी पड़ती है ना। हाँ जब ये भी हमारे पास आते हैं हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये जो कह लें कि चार चांद लगा देते हैं हम पे। ये अपनी पसंद का खिलाते हैं या आपकी पसंद का? हम एक हम अपनी पसंद का ऑर्डर करते हैं, फिर एक्स्ट्रा ये अपनी पसंद का ऑर्डर करते हैं। जबरदस्त हो गया जी, तारीफ कीजिए अपने दोस्त की, मेजबान है बहुत अच्छे वो। हाँ जी अब भी हम खाना खा कर रहे हैं, सरदार साहब ने खाना खिलाया। हो रही है बार बार खाना खाना पड़ता ना, तो तारीफ भी जरूरी है, ऐसा ही है सर? ये तो अच्छी बात है, इस दौर में कोई खाए और बताए बड़ी बात है जी। कि वो नाम लेकर बात करें कि सरदार साहब ने हमें खाना, इनकी मोहब्बत है जी, इनका प्यार है जी मेरे साथ, इनका यूनिक से सरदार। सरदार वैसे यूनिक है जी, जहाँ भी हो डिफरेंट नाम है, सरदार हर एक का तो नाम नहीं है ना जी। जी हो गया, बहुत अच्छे हैं जी सर। आप मैं सवाल कर लूँ एक छोटा सा आपको, ये आपने जाना है? चलें जी मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे। ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता? कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? मुझे मुशावरत कर, सवाल चेंज कर, सवाल बदल लें आप। आसान सा सवाल करते हैं, पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क कौन सी? मोटरवे। मोटरवे। जीटी रोड। जीटी रोड। इस्लामाबाद में मोटरवे। इस्लामाबाद वाली मोटरवे। देखिए जी ये कॉमन सेंस के सवाल हैं, और हमारा कोई कॉमन सेंस से ताल्लुक नहीं, जनरल नॉलेज का कोई दूर दूर तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम कारोबारी आदमी हैं जी, हमें सिर्फ अपने काम से हैं जी। ताजर बरादरी हैं जी, हम ताजर बरादरी हैं हम, लास्ट तो नहीं है ताजर नहीं हमारा, खुश है सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा प्यार है माशाल्लाह से तीनों में। मजीद बढ़ती हूँ आगे, अच्छे दोस्त हैं, मुझे अच्छा लगा बात करके और लोगों से बात करती हूँ। जी तो मदर हैं और उनकी बेटी भी साथ है, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताओ गुड़िया। जोहा कामरान। जोहा कामरान। अच्छा जी, मदर का नाम? राबिया कामरान। राबिया कामरान, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप? हाउस वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ हाउस वाइफ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाउस जी
जोहा बताया था ना, जोहा को क्या आता है, जोहा क्या शेयर करना चाह रही है? ऐदे वफा का सॉन्ग सुनाना चाह रही है। ठीक है, चलो सुनो। दिल का दिल से हुआ है ऐदे वफा, ना 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 ऐदे वफा, दिल का दिल से हुआ है, दिल से हुआ है ऐदे वफा। बस क्या कुछ नहीं आता और बड़ी प्यारी थी जोहा जी, अच्छा लगा बात करके। मदर से बात करना चाह रही हूँ, सवाल करूँ या आप कुछ शेयर करेंगे? करें सवाल, कुछ करना चाहती है तो शेयर क्या बस। चले, अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो वो कर दें, वरना मैं सवाल कर लेती हूँ। शेयर किस बारे में, मतलब किस? कुछ भी जो आपको अच्छा मैसेज लगता है वो ज़रूर दें। मैसेज तो बस यही है कि बच्चे जो है वो उनको बहुत पढ़ना चाहिए आजकल, और जो है वो माँ बाप का जो है नाम रोशन करना चाहिए। अल्लाह पाक हमारी जो अगली जो आने वाली नस्ल है इसको जो है वो बस कामयाब करे, यही दुआ है मेरी। जी तो फैमिली मुझे नजर आ रही थी तो मैंने पूरी फैमिली को ही पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। सईदा सहर हुसैन जी। और आपका? सैयद फहीम। गुड़िया आपका? सैयदा खदीजा वसीम। सैयदा खदीजा वसीम, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सैयद वसीम तारी। सारा सैयद जी सारा। आपका नाम आता है आपका? हाँ जी। इसको बड़ा मुस्कुरा रही हो, कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराओ ना, सब देखेंगे कितनी प्यारी है। क्या नाम है? इसका नाम है सैयदा खदीजा वसीम। बताओ अपना नेम। नहीं ओके सर, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। ये फैमिली? मेरी मिसिज हैं और मेरा छोटा भाई, और ये दोनों मेरी बेटियां। तो शॉपिंग करवाने के लिए आए थे मिसिज? जी लाइक विंडो शॉपिंग, अभी फिलहाल देख रहे हैं जो चीज़ पसंद आ गई तो इसके मुताबिक। भाभी आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, इधर आ जाएं आप, पहले तो रिलैक्स हो जाए ना। भाभी डर रही है, कैमरे की तरफ देखें, पहले रिलैक्स होके खड़े हो जाए। ठीक है, ये बताएं कि भाई कैसे? बहुत अच्छे हैं। शॉपिंग करवा रहे हैं? जी। कितना खर्च करवाते हैं? जितना दिल करे उतना खर्च करवाती हैं ये। जितना आपका दिल करे आप उतना। मैं जहरी बात है, सबका उस हिसाब से फिर बजट होता है, उस हिसाब से करना होता है, मैनेज करना होता है। मंथ का स्टार्ट है ना, इसलिए सैलरी मिली होगी तो भाभी ने आपसे कहा कि चले जी। बिल्कुल कुछ इस तरह ही है। हाँ जी। महीने बाद आते हैं आपको शॉपिंग करवाने के लिए या कब कब आते हैं? जब भाभी का दिल करे तब आते हैं। जब दिल करे, जब जरूरत हो तो आ जाते हैं। चले, देवर हैं आप जी? बड़े खामोश खड़े हैं, क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। जबरदस्त हो गया जी। तो कैसे देव? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बहुत जी। सवाल करो पूरी फैमिली से एक। फैमिली दूर दूर खड़ी है, सारे इधर आओ। खदीजा इधर आओ, खदीजा इधर आ जाओ। चलो मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? कौन सा जानवर है? भाई से पूछूंगी। जानवर जो पानी पीते ही मर जाता है, आई थिंक कोई जहरीला पानी पिएगा तो हर जानवर मर जाएगा। जहरीला पानी नहीं, वो जानवर ऐसा है कि वो पानी, हाँ जी वो पानी पीता तो मर जाता है, जहरीला नहीं। फिश है, क्योंकि पानी में रहती है, पानी पीती नहीं है। फिश है? फिश नहीं। फिश तो जानवर नहीं है ना, लेकिन नहीं फेमस है जानवर कोई? हाँ जी फेमस जानवर। आसान है, भाई से पूछ लो, बड़े भाई से। अगर वैसे भाई को आता होता तो भाई ने जवाब तो फौरन दे ही देना था। स्टिल भाई कुछ सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी तक सोच चुके होंगे। जी भाई, मैं बेसिकली मार्केटिंग का जाहिरी बात तो पर्सन हूँ, तो मैं यही सोच रहा था कि इस सवाल को, इस क्वेश्चन को मोल्ड कैसे किया जाए। वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है, ये क्वेश्चन के बजाय वो कौन सा जानवर है जो पानी के बगैर मर जाएगा। ये तो आपकी अपनी लॉजिक है ना। वैसे भाई ने कहा मैं तो मार्केटिंग फील्ड से हूँ, तो मैंने तो उसको उल्टा करके देना। नहीं जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे उनको अपने, उसको अपने मुताबिक ढालना ही फान है, अच्छी बात है। चले जी, इट्स ओके, जवाब नहीं आया कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताएं कि शेयर क्या करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ, एक अच्छा सा मैसेज दे दें जी। सबसे मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि बेटियाँ अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, और अपनी फैमिली के साथ आप जो टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, नॉट ए क्वांटिटी टाइम। टाइम थोड़ा हो लेकिन क्वालिटी टाइम हो,
تو وہ سب سے بہتر ہے, وہ سمجھیں کہ وہ پریشیس ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتا ہے. ماس وائی کوالٹی ٹائم. تھینک یو جی. بہت اچھا میسیج ہے جی. بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں, اور جو باپ ہوتا ہے اسے تو بیٹیوں سے خصوصی رغبت ہوتی ہے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ کہنا چاہوں گی ہمارے پاکستان کو کہ صاف ستھرا رکھیں, جو ہے وہ گند کم ڈالیں. پاکستان میں آج کل بہت زیادہ, جس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں, اور خوش رہیں, خوش رکھیں بس. بالکل بہت بہترین میسیج ہے. صفائی نصف ایمان ہے, پاکستان کو صاف رکھیں, ہمارا ملک. جی کیا بھائی؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے بندے کو. دیٹس اٹ. جی تینوں کی طرف سے بڑا اچھا میسج دیا گیا. خدیجہ کیا آتا ہے؟ خدیجہ کو بالو والی کیپ پہنی ہوئی ہے. چلو بتاؤ کیا آتا ہے؟ پوئم آتی ہے؟ سناؤ پھر. جونی کیا؟ ہاں چلو جی, جونی جونی سناؤ گی. اچھی بات ہے نا خدیجہ, وہ ٹوئنکل ٹوئنکل نہیں سنائے گی, جونی جونی سنائے گی. سناؤ. جونی جونی یس پاپا, ایٹنگ شوگر نو پاپا, ٹیلنگ اے لائی نو پاپا, اوپن یور ماؤتھ ہا ہا ہا. واو خدیجہ ویری گڈ. چلیں جی خدیجہ کے لیے بابا کلیپنگ کر رہے ہیں اور ماما بھی. ٹھیک ہے, اچھی فیملی. اچھا لگا بات کر کے. آگے بڑھتی ہوں اور لوگوں سے بات کرتی ہوں. جی تو پیاری سی خواتین نہیں لڑکیاں موجود ہیں, بات کرتی ہوں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیں. فریحا. فریحا آپ کا نام کیا ہے؟ زویا. زویا اور فریحا, ریلیشن کیا ہے؟ بہن ہے, دوست ہے, کیا ریلیشن؟ بھانجی ہے یہ میری, خالہ ہوں اس کی. خالے ہیں آپ؟ جی. وہ بھانجی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کرتی ہیں خالہ؟ کیا کرتی؟ ایونٹس مینجمنٹ کی جاب. کیا ہے؟ ایونٹس مینجمنٹ کی جاب. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. اور بھانجی کیا کرتی ہے؟ میں اس سے پوچھ لوں کیا کرتی ہے بھانجی؟ میں اسٹڈی کرتی. کون سی کلاس میں؟ نائنتھ کلاس میں. نائنتھ کلاس میں پڑھتی ہیں. چلیں جی. یہ کیسی خالہ ہیں؟ یہ میری بیسٹ فرینڈ بھی ہیں. مجھے نظر ہی آ رہا ہے. خالہ تو خالہ بہت اچھی ہیں. ویسے خالہ والا ریلیشن نہیں اتنا رکھتی جتنا بیسٹی والا ریلیشن رکھتی. زبردست. کتنے سال بڑی ہیں خالہ آپ سے؟ دو سال. خالہ آپ دو سال بڑی ہیں؟ بڑی بات ہے جی. تو ڈانٹ پڑتی ہے کبھی؟ بڑی ہوں میں, ڈانٹ بھی سکتی ہوں. ڈانٹتی ہے کبھی؟ ڈانٹ دیتی ہوں سم ٹائم. کس بات پہ ڈانٹتی؟ کس بات؟ ویسے جب میری بات نہیں مانتی. ابھی ہم یہاں آ رہے تھے, بات نہیں مان رہی تھی, کہتی میں نے نہیں جانا. میں نے کہا تم نہ گئی تو میں نے سے بات بھی نہیں کرنی. اچھا اچھا, اتنی سی بات پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر صلح بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹا سا سوال کرنا. جی بولیں. چلیں جی سوال. ادھر آ جائیں میرے ساتھ, پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. وہ کون سا جانور ہے جو پانی پیتے ہی مر جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. اللہ کو نہیں پتا, بھانجی سے پوچھے. مجھے بھی نہیں پتا. اس نے تو خالہ کو ہی فالو کرنا نا, اسے بھی نہیں پتا. چلے اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیئر کیا کرنا چاہیں گے؟ سوال چینج کروں یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ چینج کر لیں. جواب دینا پھر زویا آپ نے. ٹھیک ہے, کہہ رہی ہے نہیں چینج نہیں کرنا. چلیں کیا شیئر کریں گی؟ کیا شیئر کروں؟ ینگ خالہ ہیں, نوجوان خالہ ہیں. یہی شیئر کروں گا. آپ یہاں سے پوچھ لیں. کچھ بھی زویا سے پوچھ لیں. آپ کچھ بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ بیٹی مجھے پانی ہے. اچھا میں شیئر کر دیتی ہوں کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور بیسٹ فرینڈس کے ساتھ نہیں, مجھے نہیں آئیڈیا. اور بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور بیسٹ فرینڈ کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے, یہی کہنا ہوگا آگے. ٹھیک ہے چلے. زویا مجھے خالہ سے آپ زیادہ تیز لگ رہی ہو. خالہ شرما رہی ہے اور آپ پیچھے سے کیوں دے رہی ہو, ایسے ہی ہے نا. چلو زویا کیا شیئر کرنا چاہیے؟ آگے آؤ, کیمرے کی طرف دیکھ کے شیئر کرنا. ٹھیک ہے, خالہ کے ساتھ دوستی کیسی رکھی جا سکتی ہے یہ شیئر کرنا ہے. خالہ کے ساتھ دوستی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ خالہ آلریڈی بہت اچھی دوست ہوتی ہے. اور وہ جو پھپھو کے بارے میں پھیلاتے ہیں, پھپھو اتنی بری بھی نہیں ہوتی ہے. پھپھو بھی بہت اچھی ہوتی ہے جی.
मेरा पप्पू के साथ इतना टाइम स्पेंड तो नहीं हुआ, लेकिन पप्पू अच्छी होती है। वो अच्छी है या खाला? खाला के लिए तो खाला ही अच्छी है ना, और मेरे लिए तो पप्पू भी अच्छी है और खाला भी अच्छी है। ठीक है, पप्पू के साथ इतना टाइम में कभी कभी भी नहीं रही, खाला के साथ ही रहती हूँ। वो तो पप्पू के साथ रही नहीं है ना, इसलिए उसको सिर्फ खाला से प्यार है। जी बहुत अच्छा लगा मुझे दोनों लेडीज से बात करके, अच्छा रिलेशन था जी दोनों का, बड़ा प्यार मोहब्बत आगे बढ़ती है। जी तो एक बड़ी प्यारी सी फैमिली मुझे नजर आ रही थी, तो मैं बैठ गई उनके साथ, चूंकि मैं भी थक गई थी तो मैंने बैठने में ही गरेमत जानी। अस्सलाम वालेकुम, सर नाम बताएं अपना। उजैर। उजैर, आपका नाम क्या है? जुबैर। अच्छा, ये एक ही फैमिली से? जी उस फैमिली से। ये बताना है आपने मुझे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सड़क कौन सी? चले छोड़े आसान सवाल, इंटरेस्टिंग और आसान, चले आसान कर दे। ये बताना है कि वो कौन सा जानवर है, सॉरी वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता? अब इससे आसान सवाल देखें। मच्छी। मछली पानी पीते मर जाता? ये मछली है। माँ जी कुछ कह रही है, माँ जी क्या कह रही हैं आप? मगरमच्छ। माँ जी मगरमच्छ पानी पीते ही मर जाता है, वो तो पानी में ही रहता है। सांप। मगरमच्छ। माँ जी सांप का नाम बताई जा रही है। मछली मर जाती है पानी। आप ज्यादा? अच्छा भाभी हाउस वाइफ है भाभी? हाँ जी। चले फिर भी सवाल का जवाब पता नहीं कौन सा जी, कोई मसला नहीं है सवाल का जवाब का, इट्स ओके। चले जी भाभी मैसेज। शोर को डराना हो तो क्या किया जाए? ये नहीं डरते, वैसे ही कह रहे हैं। वैसे ही कह रहे हैं, डरते डरते कोई नहीं है। कोई मैसेज नहीं देंगे, अभी कह रही थी मैं दूंगी मैसेज। ऑलवेज बी हैप्पी जी, वो कहती है कि हमेशा खुश रहें। अच्छा मैसेज था और बड़ी अच्छी और बड़ी खुश मिजाज फैमिली। आगे बढ़ती हूँ और थैंक यू सो मच जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अच्छा लगा मुझे बात करके। और वैसे भी जो हमारे सियालकोट के लोग होते हैं वो वैसे भी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। जी तो प्यारे से बच्चे बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, नाम बताओ। दुआ जाहिद। दुआ जाहिद, आपका नाम क्या है? जोहा जाहिद। जोहा, और आपका? फजर। फजर, जोहा बड़ी है, उसके बाद दुआ, उसके बाद फजर, और आपका नाम? फिदा जाहिद। बहन भाई हो सारे? अच्छा, ये दोनों ने एक जैसा कोट पहना हुआ है, ब्लैक, बड़ा प्यारा लग रहा है। एक जैसे कपड़े पहनती हो? यस यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? टू। टू में? और आप? थ्री में। दुआ तो मुझे बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। यस यस, वाओ भाई, टू में पढ़ती हो। चलो जी क्या आता है? पोइम आती है, चलो पोइम सुनाओ। Roll over the ocean, roll over the sea. Roll over the ocean, roll over the sea. Roll over the ocean into the blue sea. Roll over the ocean into the blue sea. Wow, Dua, आपको पता है जितनी प्यारी आप हो ना उतनी प्यारी आपने मुझे poem सुनाई है। ठीक है, wow, आप क्या सुनाओगी Dua? Surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم ما شاء الله آپ کیا فجر آپ کیا سناؤ گی فجر کیا سنائے گی کچھ بھی نہیں نائٹروجن بول کھا رہے ہو جی کیسے لگ رہے ہیں अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे जी। चलो जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। सिक्स में क्या आता है? पढ़ना आता है। पढ़ना आता है बस, कोई पोइम नहीं आती, कुछ नहीं आता? क्या आता फिर? आता है सॉन्ग आता है जी, काफी कुछ आता है। काफी कुछ आता है कह रहे हैं मुझे, काफी कुछ आता है। चलो जी काफी कुछ आता है फिर आगे आके सुनाना है। ठीक है, आता मुझे काफी कुछ है लेकिन सुनाना कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आता ना। सब में सारी फैमिली में सिर्फ दुआ इंटेलिजेंट है, दुआ सबसे जहीन है और दुआ को आता है सब कुछ, ऐसे ही है। चले जी अच्छे लगा बात करके मुझे, बड़े प्यारे और बड़े डिसेंट से बच्चे थे। बाय दुआ।
बहुत लेडीज यंग नजर आ रही है, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताएं अपना। कोमल। कोमल, आपका नाम क्या है? फातिमा। आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद, अच्छा जी। क्या रिलेशन है? ये मेरी खाला है। ये मेरी भांजी है। ये भांजी या खाला है? आज खाला भांजी का दिन है। पहले भी मुझे मेरी बात हुई है किसी के साथ, वो भी खाला भांजी थी। अच्छा, ये कितना डिफरेंस है दोनों का? 6 ईयर का। खाला 6 साल बड़ी है? जी। कैसी खाला है फिर ये? जी, ये मुझसे 6 साल छोटी है, लेकिन वैसे एज डिफरेंस है, फ्रेंड क्लोज हैं काफ़ी, तो बस ऐसे ही है, फ्रेंड्स की तरह। फ्रेंड्स की तरह हैं। और यहाँ घूमने के लिए आई? जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक हो गया। खाना शाना खा लिया? जी। सवाल करूँ एक छोटा सा? जी। चले, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होके खड़े आ जाए मैं। नहीं, खाला और भांजी मिलके जवाब दे सकती हैं। आसान सवाल करूँगी, वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? आई थिंक चूंटी। चूंटी? हाँ शायद। अच्छा, वो इतना बड़ा छोटा सा जानवर तो है ना, रात में आता है। आइडिया नहीं है। खाला से मशवरा ले लो। आपको पता है क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता चले जी, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। खाला, एक मैसेज दें अपने देखने वालों को। जी, मेरा तो यही मैसेज है, बड़े हों या छोटे हों, तो सबके साथ उसको उनकी जगह दे पर रखना चाहिए, ताकि जो रिश्ते हैं मजबूत, ज़्यादा मजबूत होते हैं। और बच्चों को मतलब कि ऐसे ही रहना चाहिए, एज डिफरेंस जितना मर्जी हो, लेकिन क्लोजनेस हमेशा ऐसे ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जैसे आप भी बच्चे हैं। वेरी नाइस जी, खाला ने तो बहुत अच्छा मैसेज दिया। आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? नहीं नहीं, उसने कहा है कि जी खाला ने मेरे हिस्से का पैगाम दे दिया है। अच्छा लगा बात करके, आगे चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताओ। आयशा। आयशा, आपका नाम क्या है? प्यारी आंखों वाले नाम बताओ। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, बिलाल की आंखें बहुत प्यारी हैं। बिलाल छुपा रहे हैं अपनी आंखें, किस पे गई हैं? मामा पे, बाबा पे? बाबा पे। बाबा पे, अच्छा जी। क्या आता है? पोइम। पोइम आती है, कौन सुनाओ? टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर टच द ग्राउंड, टेडी बियर, टेडी बियर पॉलिश माय शूज, टेडी बियर, टेडी बियर गो टू स्कूल। वेरी नाइस, बहुत अच्छी पोइम सुनाई है जी। बिलाल इधर आओ, अब आप बताओ क्या सुनाना चाहते हैं? पोइम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप तो व्हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। जी, दोनों बहन भाइयों ने बहुत अच्छी पोइम सुनाई। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों से बात कर ली मैंने, लेकिन मदर रह गई थी। कैसी हैं आप? ठीक? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। शॉपिंग करने के लिए आए थे? खाने पीने? नहीं, हम लोग बस ऐसे ही जस्ट विजिट के लिए ही आए थे। ठीक हो गया जी। क्या करती हैं? हाउसवाइफ है? जी मैं हाउसवाइफ। फिर मैं सवाल नहीं करती आपसे, बस आप एक मैसेज दे दे देखने वाले। मेरी तरफ से ये मैसेज है कि सब फीमेल जो है अपने घर का, अपने बच्चों को अच्छे से लुक आफ्टर करें और अपने घर का बहुत बहुत ख्याल रखें। क्या मैसेज है जी? बहुत अच्छा मैसेज है कि तमाम ख्वातीन जो हैं वो अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करें और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। ख्वातीन जो होती हैं उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं, वो घर का काम काज भी करती हैं, बच्चों का ख्याल भी रखती हैं, तो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा मैसेज मिला जी। आगे चलती हूँ, मज़ीद लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताएं? मेरा नाम जूना। जूना? यस। जूना, यहाँ अकेली घूमी जा रही हो? हाँ जी, फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ में। फ्रेंड्स भी हैं आपके साथ में, क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। पढ़ क्या रही हैं? मेडिकल की स्टूडेंट हूँ मैं। मेडिकल की स्टूडेंट? यस। ठीक हो गया, डॉक्टर बनना है? हाँ जी बिल्कुल। चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। सवाल करूँ? जी ज़रूर। चले, आसान सा सवाल। ओके ओके, चलें। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सड़क कौन सी है? सबसे बड़ी सड़क? शाहराए कराची। शाहराए कराची। चलें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, जवाब नहीं आया, सवाल चेंज करूं? चल कर लूं।
चले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा, अरे आसान करती हूँ, वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? पानी पीते मर जाता है, ये कौन सा जानवर है? ऐसा जानवर लेट्स ओके, हम सवाल करते ही नहीं है, ठीक है? अब कुछ शेयर करना चाह रही हो, कोई कुछ क्या जो अभी तुम्हें लगता है कि शेयर मैसेज क्या दो? मैसेज ये दूंगी, अपनी लाइफ थोड़ी सी लाइफ है, इसको फन करें, एंजॉय करें लाइफ को, और बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू, यही कहना चाहूँगी, छोटी सी जिंदगी है, जी भर के जी रहे हो उसे। अच्छा लगा जरा बात करके, थैंक यू, आगे बढ़। जी तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मेरे दाएं बाएं मौजूद हैं, मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताओ? ईमान। ईमान, नाम बहुत प्यारा ईमान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अपना नाम बताओ? महनूर। महनूर, महनूर बड़ी एक्टिव लग रही हो। क्लास में पढ़ती हो? मैं 5 में। 5 में पढ़ती हो, कितने साल की? मैं कल 11 साल की हो जाऊंगी। कल बर्थडे है आपकी, क्या नाम बताया? महनूर। चले जी, कल महनूर की बर्थडे है। महनूर हैप्पी बर्थडे टू यू, सारे सारे एडवांस में विश करें महनूर आपी को, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है महनूर, हमने आपको एडवांस में बर्थडे कर कह दिया, विश कर दिया, ठीक है? थैंक यू, बहुत खुश रहो, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। जी मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताओ? आमना नवाज। आमना, आमना और ईमान दोनों बहने हो, एक जैसे कपड़े पहने हुए ना, दोनों की ड्रेस सेम है। किस क्लास में पढ़ती हो? प्रेप। आमना प्रेप में पढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए? इरम नाम है मेरा। और आपका नाम क्या? मामा की गोद में बैठ गई हो, क्या नाम है? हुरैन। हुरैन, अच्छा जी। आमना को क्या आता है? पोइम सुनाती है। आमना पोइम सुनाएगी, चलें जी आमना पोइम सुनाओ। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, साथ देंगे आमना का, ठीक है? चाचा काले चोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में, खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, उन चोरों की खूब खबर ली मोटे दाने दान ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने, मोरों आमना, आमना ने तो बहुत अच्छी पोइम सुनाई है, ईमान क्या सुनाएगी पोइम? चलो सुनाओ। The earth is my... आमना ने सुनाया था ना, तो आमना का सबने साथ दिया था, ठीक है? अब ईमान का भी सारे हम साथ देंगे, ठीक है? चलो जी ईमान, स्टार्ट ना। The earth is my home is to keep it and it to beautiful. The earth is my home, home is to beautiful and is beautiful. जी ईमान, आमना ने तो पोइम सुनाई थी आसान, वो हम सबको आती थी तो हमने उसका साथ दे दिया, आपने सुनाई मुश्किल, हम में से किसी को आती नहीं थी इसलिए हमने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपने बहुत अच्छी पोइम सुनाई, थैंक्स। ये आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं जोक जैसा शेयर करना चाहूंगी। जोक, चले जी जोक सुनाओ। हाथ को कर बुलंद इतना कि हर सेल्फी से पहले मोबाइल बंदे से खुद पूछे कोई रह तो नहीं गया। मोबाइल बंदे से खुद पूछे कोई रह तो नहीं गया। बहुत अच्छा जोक है जी। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई अच्छा सा मैसेज? क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये मैं कहूँगी कि खुश रहना चाहिए, खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और मनानी चाहिए। आजकल के ज़माने में, डिप्रेशन के ज़माने में, छोटी छोटी खुशियाँ अगर हम सेलिब्रेट करें, मिलजुल के सबके साथ रहें, तो ज़िंदगी आसान रह जाएगी और अच्छी यादें भी बनेंगी। जी बहुत ही अच्छा मैसेज है। आमना,
मामा को कह रही थी मामा ये बता देना, मामा ये शेयर कर लेना, मामा रेसिपी बता देना, बहुत प्यारी है जी आमना। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बड़ी नाइस फैमिली, मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। क्या कहना चाहो? मुझे ना आपकी ना शक्ल बिल्कुल सजन लेली जैसी लग रही है। अच्छा, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, बस आपने कहा। सच्ची में आपका मेकअप भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल उसकी जैसी लग रही है। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे ये कभी किसी ने नहीं कहा, बस आपने कहा है कि मेरी शक्ल उससे मिलती है। नहीं, आप सच्ची में वैसी लगती हैं। हाँ जी जी, गुड़िया ने बाल बहुत स्ट्रेट है। क्या हुआ? आपके बाल बहुत स्ट्रेट है। मेरे बाल बहुत स्ट्रेट है बेटा, वो तो मैंने स्ट्रेट किए हुए हैं ना, इसलिए स्ट्रेट है। थैंक यू जी, बड़े प्यारे बच्चे हैं और बच्चों ने तारीफ भी की है, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ती हूँ, किस देना वो कोई गिफ्ट भी दे देते। अच्छा आपको गिफ्ट? हाँ तो गिफ्ट मैं आपको दे के जाऊंगी ना, हमने आपने पॉइंट सुनाई, गिफ्ट तो मैं ज़रूर आपको दे के जाऊंगी। बड़ी प्यारी बच्ची है जी और फैमिली भी बहुत अच्छी है, बड़ी डिसेंट फैमिली है, मुझे अच्छा लगा बात करके और फैमिली से बात करती हूँ। थैंक यू। जी तो एक और बच्ची नजर आ रही है, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताओ। मनहा। मनहा, मनहा का मतलब क्या है? अल्लाह का तोहफा। अल्लाह का तोहफा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? मदीहा। बेटी? जी माशाल्लाह। मनहा किस क्लास में पढ़ती हो? थ्री क्लास। थ्री क्लास में पढ़ती हो, क्या आता है मनहा? पोएम। पोएम आती है, चलो इधर आके सुनाओ सामने आके। बेबी शर्क टूरू टू, बेबी शर्क टूरू टू, बेबी शर्क टूरू टू, बेबी शर्क। मॉमी शर्क टूरू टू, मॉमी शर्क टूरू टू, मॉमी शर्क टूरू टू, मॉमी शर्क। डैडी शर्क टूरू टू, डैडी शर्क टूरू टू, डैडी शर्क टूरू टू, डैडी शर्क। Grandma shark doo 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 doo, Grandma shark doo 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 doo, Grandma shark doo 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 doo, Grandma shark. Grandpa shark doo 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 doo, Grandpa shark doo 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 doo, Grandpa shark doo 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 doo, Grandpa shark. Let's go hunt doo 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 doo, Let's go hunt doo 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 doo, Let's go hunt doo 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 doo, Let's go hunt. Run away to do 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 do, run away to do 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 do, run away to do 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 do, run away. Safe at last to do 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 do, safe at last to do 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 do, safe at last to do 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 do, safe at last. It's the end to do 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 do, it's the end to do 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 do. वाओ मनहा, इतनी लंबी पोएम और इतना मजबूत रटा, वाओ जी, आई अप्रिशिएट यू मनहा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मदर क्या करती है? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ जी जी, हो गया। कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो हाउस जॉब ही चल रही है, बच्चों को संभालना और घर को संभालना एंड नथिंग एल्स। घर को संभालना और बच्चों को संभालना भी एक बहुत ही बड़ी जॉब है, अच्छा लगा मुझे बात करके, मजीद लोगों से बात करती हूँ। जी तो फैमिली नजर आ रही है, उनकी तरफ बढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मेरी बेटी की बात कर रही। जी मैं पहले आपसे बात कर लूँ फिर बेटी से भी बात करती हूँ, कह रही है पहले मेरी बेटी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। अक्सा अब्बास। अक्सा, और आपका? इकराम मिर। आपका नाम? ईमान अब्बास। बहनें आप? हाँ जी, हम सिस्टर्स हैं। तो यहीं से हैं? हाँ जी, लाहौर से। ठीक हो गया, सारी मैरिड? नहीं, आप ही और मैं। हाँ, यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए थे, खान से बच्चों के फन लैंड में आए थे। हाँ, मैं आए हुए थे। ठीक हो गया, इधर आ जाओ आगे। क्या नाम है? फजर। फजर इधर मुँह करो, कैमरे की तरफ मुँह करो। फजर को क्या आता है? ट्विंकल ट्विंकल। क्या आता है? ट्विंकल ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल के अलावा बताओ क्या आता है? ट्विंकल ट्विंकल ही आती है। चलो फिर शौक पूरा करो, वही सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बस फजर ने तो पूरी फैमिली की तरफ से सुना दी है पोएम, अब आप क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं यही शेयर करूंगी कि बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए उनको बाहर लेके आना चाहिए, जैसे सारी फैमिलीज आती हैं इसी तरह,
जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते उनको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके जो है अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करें। बहुत अच्छा मैसेज है पे आप कभी कभी आ जाया करें बच्चों को लेकर, खुशी होती है बच्चों को, इंजॉय करते हैं बच्चे। आगे बढ़ती हैं और लोगों से बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नाम बताओ। माय नेम इज शिजा कुरैशी। शिजा? यस। शिजा पढ़ती हो, क्या करती हो? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ नमल यूनिवर्सिटी से। मैथ्स कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं, फ्यूचर की एंकर पर्सन है कह लूँ? नो, आई डोंट वांट टू बी एन एंकर। अच्छा, आप एंकर नहीं बनना चाहते? नो। क्या करना क्या चाहती हैं? व्हाट यू वांट टू डू? आई वांट टू डू ऑफ स्क्रीन मैथ्स। मैं न्यूज़ पे काम करना चाहती हूँ लेकिन ऑफ स्क्रीन, डोंट बी ऑन स्क्रीन। अच्छा, ऑन स्क्रीन नहीं, बिहाइंड स्क्रीन काम करना। यस यस। चले जी, ठीक हो गया। यहाँ फैमिली के साथ आई? यस, फैमिली एक्चुअली सिस्टर आई हुई है अपनी उधर, तो हम सब इंजॉय करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इंजॉय कर लिया? हाँ जी, बस कर रहे हैं, अभी डॉजिंग कर लिया, बहुत मज़ा आया। ठीक हो गया। एक सवाल करूँ छोटा सा? हाँ जी, कर लें। बड़ा ऊँचा सांस लेके कहा है कर ले। हाँ जी, सांस चढ़ा हुआ है शिजा को, सांस चढ़ा हुआ है जी। ठीक हो गया शिजा, ये बताओ कि लैंड ऑफ स्माइल्स यानी मुस्कुराहटों की ज़मीन किस मुल्क को कहा जाता है? लैंड ऑफ स्माइल्स आई थिंक पाकिस्तान ही होगा। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में बहुत खुशहाली है, हर वक्त हम खुश रहते हैं? नहीं नहीं, वो तो अब रहना शुरू हो गए हैं जिस तरह के हालात हो गए, वरना तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। हमारा मुल्क तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जवाब ये नहीं है। अच्छा, क्या आंसर है? जवाब तो मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी। चलें, ठीक है, चलें जी, इट्स ओके। सवाल का जवाब नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है। आप ये बताओ शिजा के शेयर क्या करना चाहोगी? शेयर ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को भी पॉजिटिव, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, आसपास खुशहाली बांटें, हम बांट सकते हैं इस गिर के लोगों में। थैंक यू। अच्छा मैसेज है शिजा के आसपास के लोगों में भी खुशहाली बांटें, खुश रहें और खुश रहने भी दें। अच्छी लड़की थी, बात करके अच्छा लगा। आगे बढ़ती हूँ और लोगों से बात करती हूँ। जी, ये तो एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं? मिसेस अकलेन। अस्सलाम वालेकुम, छोटे प्यारे से बच्चों नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है। आपका नाम क्या है? अरहम कुरैशी। अरहम, अरहम तो बहुत प्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम? अरशम कुरैशी। और आप? मिसेज अवैस कुरैशी। ये एक ही फैमिली है सारी ना, क्या लगती है? मैं इसकी भाभी हूँ। कैसी वाली भाभी है? अच्छी कैसी वाली नन? अच्छी वाली नन नहीं है, वो छोटी सी बहन है। छोटी सी बहन है यार, बहुत अच्छी बात है जी। उन्होंने कहा है वो मेरी नन नहीं है, बहन है। अच्छा, प्यार है। भाभी काम शाम करवाती है? नहीं, मोहब्बत के साथ रहती है। सख्त नहीं है यानी कि, ठीक है ना? अच्छा बात है जी, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। और भाभियाँ भी बहनें ही होती हैं, ऐसा ही है, समझने की। ऐसा ही है। हाउस वाइफ है? जी जी, हाउस वाइफ। ठीक हो गया। किसको क्या क्या आता है, आप क्या कह रहे हो? अच्छा, ABCD आती है, चलो इधर आओ। कौन सी पोएम आती है? अरहम को ABCD वाली पोएम आती है, अरहम वो सुनाना चाह रहा है। अरहम आपने कैमरे की तरफ देखना, फिर सब आपको देखेंगे, ठीक है? चलो जी सुनाओ। सबने क्लैपिंग की। आप क्या सुनाना चाहोगे? सोच रहे हैं टॉपिक। कश्मीर का टॉपिक। कश्मीर का टॉपिक, वेल एंड गुड भाई, चलें जी। अच्छा, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फेलो। स्पीच याद की हुई है, जबरदस्त। ये क्या कश्मीर डे पे की थी, चलें जी। टीचर स्कूल में सुनाई थी सबको, अब हम सुनेंगे, ठीक है? चलो सुनाएं। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फेलोज, गुड मॉर्निंग। आई एम
Ashman from grade 1. The topic of my debate is Kashmir solidarity. We celebrate this day on 5th February to show our unity with the Kashmiri people. Indian forces attacked on them with brutal steps and snatched their right of freedom of Kashmir. So come forward and raise your voices for freedom of Kashmir. Thank you. Very good. Chale. Pakistan? Pakistan zindabad. Ji, Kashmir par badi achi speech sunai hai. Izhar hai, yakjahti hai ji Kashmiriyon ke saath. Kya share karna chahenge? Main saab, sawal karun aap se, ek asaan sa. Kar lun. Chale ji. Ye batana hai ki wo kaun sa janwar hai jo paani peete hi mar jata hai? Kaun sa janwar hai jo paani peete hi mar jata hai? Maine suna zarur hai. कह रही है मैंने सुना बड़ा है लेकिन जवाब नहीं आता मुझे। जानवर पूछे अच्छा। क्यों माइक पीछे कर रहे हो? इतना मुश्किल क्वेश्चन को इजी तो पूछे। अच्छा चले इससे इजी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सड़क कौन सी? सबसे बड़ी सड़क? सड़क बताना। शाहरा। शाहरा पास। पास। पाकिस्तान की। भाभी से पूछो। भाभी 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 जहीन लग रही है। शारा है क्राक्रम? नहीं। शारा क्राक्रम या शारा रेशम है? ना मुश्किल सवाल पूछा, खुद ही बता दो। पहले मैंने आसान पूछा था। इस्लामाबाद की रोड। सबसे बड़ी शारा। इस्लामाबाद। भाभी दूर से आवाजें देके। शारा कौन सी है? भाभी दूर से आवाजें देके है। भाभी थोड़ा और जोर से। क्या कह रहे? मैंने भी क्राक्रम कहा मेरे हस्बैंड। गलत बता रहे ना। नहीं शारा क्राक्रम ही उन्हें पढ़ा। भाई गलत। चले आप बताएं। मैं तो प्रोग्राम के आखिर। अच्छा हमने तो ये बड़ा शारा है क्राक्रम। एक शारा रेशम। मैंने दोनों। भाई गलत बता रहे हैं। शारा रेशम और शारा क्राक्रम ही है। अभी कह रही है जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं शारा रेशम और शारा क्राक्रम मैं कह रही हूँ ये नहीं है। चले फिर हमें नहीं पता जी। कोई मसला नहीं है। शेयर क्या करना चाहेंगे? एक मैसेज देना आप। मैसेज यही है कि सबको मिल बांट के रहना चाहिए, मोहब्बत से अपने घर के अलावा अपने मुल्क को भी साफ रखना चाहिए। बहुत जबरदस्त। और अगर तो बिल्कुल जी बहुत अच्छा मैसेज है। और अगर ननद को बहन कहना भी हो और बहन बना के रखना भी हो तो उसके लिए भी सीक्रेट? बस फिर अपने अंदर ना एक समुंदर जमा कर लेना चाहिए और उसमें सब कुछ डुबो देना चाहिए। अच्छे हो जाते हैं। भाभी के साथ इतना प्यार निभाना हो तो ननद को कैसा होना चाहिए? ननद को लड़ाकी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और आप मासूम लग रही हैं। मैं टीचर भी नहीं सजा से। हम अच्छे तरीके से रहते हैं हमेशा से इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली में। तो हम ऐसे में रहती हैं। एक ही जगह हमारा सेटअप है। खाना पीना भी हमारा एक ही जगह। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है हमारा। हम लोग एक फैमिली नहीं, हम चार फैमिलियाँ इकट्ठी रहती हैं। माशाल्लाह जी जॉइंट फैमिली है। और इसलिए वो कह रही हैं कि अच्छा मैसेज भी बहुत अच्छा दे रही हैं कि खुश रहें और सब एक दूसरे की बातों को इग्नोर करते रहें। अच्छी फैमिली थी, डिसेंट। मुझे अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ती हूँ और लोगों से बात करती। जी तो एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताओ। आलिया सहर। आलिया सहर। आपका नाम? अदील मलिक। भाई बहन? भांजी। मामू भांजी। हां हां। आज ना खाला भांजी का दिन भी है और मामू भांजी का दिन भी है। मुझे पहले भी ऐसी फैमिलीज मिली है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। सहर कौन सी क्लास में पढ़ती? मैं मिलिट्री सॉन्ग क्लास में। सेवन क्लास में पढ़ती हूँ। मिलिट्री सॉन्ग सुनाना चाहिए? हाँ जी जरूर। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। इसकी बुनियादों पे है तेरा लहू मेरा। इस पे
तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायब की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरे कायब की जीती जागती तस्वीर है। शायर मशरिक के ख्वाबों की ये ताबीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा चमन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। जबरदस्त। शहर, शहर का नाम बताया? आलिया शहर। आलिया शहर, आलिया आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। यू हैव मेलोडियस वॉइस, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू। ये स्कूल में जब होते हैं ये फंक्शन वगैरह तो उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ? हाँ जी, हाँ। ज़रूर किया करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। स्कूल में भी सभी यही कहते हैं, नाच पढ़ते हैं ना तो सभी यही कहते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। रियली तुम्हारी इतनी अच्छी रेंज है, बहुत अच्छी, तुम्हारी पिच भी बहुत अच्छी है आवाज़ की। थैंक यू। चले अपने लिए खुद क्लैपिंग करो, भाई बहन के लिए, मामू सॉरी, क्लैपिंग करें जी। बहुत अच्छी आवाज़ है बच्ची की। और मिली जो सॉन्ग सुनाया है उसने, मिली नगमा, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और मुझे लेनी है आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सवालों के जवाब तो आज किसी ने भी मेरे नहीं दिए। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सड़क है जी शाहराए पाकिस्तान, और एक सवाल पूछा था कि वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है, जवाब है कैंगरू। और एक सवाल पूछा था के लैंड ऑफ स्माइल किस मुल्क को कहा जाता है, यानी मुस्कुराहटों की जमीन किस मुल्क को कहा जाता है, जवाब है जी थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक जो है उसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है, और एक अंदाजे के मुताबिक 64,000 लोग जो हैं वहाँ के करोड़पति हैं जी, इसलिए थाईलैंड को जो है वो कहा जाता है लैंड ऑफ स्माइल। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान मिसबाह सईद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए, देखो और जीतो।